हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज़ बुशरा खान आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टीज़मेंट को वैसे तो एडवर्टीजमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड वाले एडवर्टीजमेंट को अब इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं चलिए मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है ए इंटरनेशनल स्कूल इज लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल राइट एंड एडवर्टीजमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द लोकल न्यूज पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वॉन्टेड वाले जो एडवर्टीजमेंट हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है वो बता देती हूँ सिचुएशन वैकेंट वाला एडवर्टीजमेंट हम तब लिखते हैं जब हमारे पास कोई पोस्ट खाली है मीन्स कोई वैकेंसी हो और सिचुएशन वॉन्टेड वाला एडवर्टीजमेंट हम तब लिखते हैं जब हमें कोई जॉब चाहिए होती है अब आपने क्वेश्चन में देखा कि ए बी सी इंटरनेशनल स्कूल एक रिसेप्शनिस्ट चाहते हैं और आपको स्कूल की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट लिखना है कि स्कूल को रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो यहां एडवर्टीजमेंट होगा सिचुएशन वैकेंट वाला क्योंकि आपके यहां पोस्ट खाली है तो अब कुछ इस तरह से आप अपना एडवर्टीजमेंट रेडी करिए देखिए जरूरी नहीं है कि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट ही खाली हो जिसकी भी है आप वो पोस्ट डाल सकते हैं तो अब आप लिखिए ABC बी सी इंटरनेशनल स्कूल इज लुकिंग फॉर अ लेडी रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल मीन्स ए इंटरनेशनल स्कूल एक लेडी रिसेप्शनिस्ट को देख रहे हैं अब पोस्ट के लिए आपको किस टाइप का व्यक्ति चाहिए वो आप लिख दीजिए आप लिख सकते हैं ओनली एजुकेटेड स्मार्ट एंड यंग लेडीज विद प्लीजिंग एंड प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटीज विल बी कंसिडर्ड अब आपने बता दिया सिंपल हमें एजुकेटेड स्मार्ट और यंग लेडी चाहिए जिसकी पर्सनैलिटी भी प्लीजिंग और प्रेजेंटेबल हो तभी हम उसको रखेंगे अब इसके बाद क्या लिखना है आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी विल बी एडिड क्वालिफिकेशंस मीन्स आपने लिखा कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं शी मस्ट बी वेल वर्ज इन इंग्लिश उसके बाद आपने बता दिया कि भाई कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए फिर आपने लिखा कि सैलरी अच्छी खासी है और पर्कस मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिया जाएगा इसके बाद आप लिखिए अप्लाई विद कंप्लीट बायोडेटा विद इन अ वीक टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ए बी सी इंटरनेशनल स्कूल रांची तो आपने लिखा है कि कंप्लीट बायोडेटा के साथ एक वीक में अप्लाई करें फिर एड्रेस दे दिया ए बी सी इंटरनेशनल स्कूल रांची आप चाहें तो फोन नंबर भी लिख सकते हैं तो ये हो गया सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टीजमेंट मीन्स बेसिकली आपके पास पोस्ट है वैकेंसी है तो आप सिंपल ये बताएंगे कि आपके पास पोस्ट के लिए किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए और आपका सिचुएशन वैकेंट वाला एडवर्टीजमेंट कंप्लीट अब डिस्कस करते हैं सिचुएशन वांटेड का और इसके लिए भी क्वेश्चन ले लेते हैं अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन है यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन नीड ऑफ अ जॉब इन और अराउंड डेली राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन अ लोकल न्यूज़पेपर अब देखिए यहां एडवर्टीजमेंट आएगा सिचुएशन वॉन्टेड का क्योंकि आपको जॉब चाहिए अब क्वेश्चन में है कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप लिखिए एक एडवर्टीजमेंट ताकि कोई आपका एडवर्टीजमेंट देखे और आपको हायर करे तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे ये आ गया हमारा एडवर्टीजमेंट हाँ और एक चीज याद रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट को हमेशा आप बॉक्स में कर देना सो so, आप लिखिए अ फर्स्ट क्लास बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम डेली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सीक्स अ जॉब इन और अराउंड डेली मीन्स आपने लिखा है कि एक बी ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कॉलेज का नाम बता दीजिए कहाँ से डेली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और उसको डेली या उसके आस पास जॉब चाहिए इसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिए एक्सपीरियंस टू ईयर्स इन अ लीडिंग मल्टी नेशनल इसके बाद अगर अभी काम कर रहे हैं तो वो भी लिख दीजिए प्रिजेंटली वर्किंग विद अ प्राइवेट फॉर्म इन नोएडा मीन्स आपने लिखा है कि अभी मैं नोएडा में वर्क कर रहा हूं इसके बाद अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी डाल दीजिए थर्टी थाउजेंड और अबव उसके बाद अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए और ये हो गया सिचुएशन वांटेड का एडवर्टीजमेंट कंप्लीट मीन्स सिंपल आपको अपने बारे में बताना है कि मैं ये ये हूं और मुझे जॉब चाहिए और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है तो दोनों का फॉर्मेट बहुत ही आसान है ऊपर लिख दीजिए सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वॉन्टेड इसके बाद अगर वैकेंसी है आपके यहाँ तो आपको कैसा व्यक्ति चाहिए लिख दीजिए सिचुएशन वैकेंट के नीचे और अगर आपको जॉब चाहिए तो हेडिंग डालिए सिचुएशन वांटेड और अपने बारे में बता दीजिए जॉब से रिलेटेड थिंग्स एक चीज़ और याद रखिएगा कि वर्ड लिमिट 50 रखनी होती है इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें